दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। आप देख रहे हैं कि किस तरह आईटीबीपी के हिमवीर भारी बर्फ और ठंड से जमा होने वाली बर्फ में योग कर रहे हैं। ये जवान 14,000 फीट पर बद्रीनाथ धाम से 24 किलोमीटर दूर सतोपंथ और वसुधारा कर पास भारी बर्फ के ऊपर योग कर पसीना बहा रहे हैं। ये 73 जवान अपने आप को बर्फ में चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग कर रहे हैं। ये भारतीय जवान भारी बर्फ और हाड़मास को जमा देने वाली बर्फ में योग की विभिन्न क्रियाएं कर रही हैं। जिस तरह से लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद तनाव का माहौल है। इस सबके बीच आईटीबीपी के हिमवीर अपने आप को भारत चीन सीमा के विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन 73 जवानों में 13 महिला जवान भी शामिल हैं। बर्फ में इनके इरादे बहुत फौलादी हैं और सीमा पर हर चुनौती को पार करने को तैयार हैं। सहायक सेनानी भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान ओली के नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस दिनों सतोपंथ और वसुधारा में आईटीबीपी के हिमवीर को बर्फ में हिमालयी चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन बिलांगवाल की रिपोर्ट।